नमस्कार साथियों, गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के लिए मैं बहुत ही बड़ी जो महामैराथन क्लास है वो लेकर आया हूँ। उसके अंदर आपको क्या करना है, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक की कंप्लीट करंट अफेयर इसके अंदर हैं। चार महीने क्या, पाँच मई तक की इसके अंदर पाँच महीने की करंट अफेयर है और ये सारे इसके अंदर इसमें कवर होंगे। वन लाइन पूरी करंट अफेयर है। स्पीड से हम देखते हैं तो पाँचों महीनों की, और यही आपके इसमें आपके स्टेट की भी शामिल हो जाएगी, शामिल इसमें साथ में जो फेमस है, ठीक है, और जो इसमें जो घटना हुई है आपके स्टेट की वही आप ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्विज। तो यहाँ पर स्टार्ट देखते हैं, पहला जो पहला प्रश्न है आज का वो देखें, ये आपकी शायद एक तरह से लास्ट के वो है पार्ट जिसको आपको सबसे ज़्यादा देखना है। करंट के लिए यदि आपको देखना है तो वो ये देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के आयोजन किस राज्य में किया गया। सभी स्टूडेंटों को बेस्ट ऑफ लक और सभी के एग्जाम बहुत अच्छी रहे। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, ये किया जाएगा बेंगलोर में। यदि कोई बेंगलोर का है इधर का साइड का तो वो इस तरह के प्रश्नों को ज़्यादा याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला, तो ये है उत्तराखंड। यदि उत्तराखंड का हमारे पास स्टूडेंट है तो ध्यान रखें कि आपकी झांकी है उस राज्य की, उसको सबसे प्रथम स्थान पहला मिला है भारत में। सूचना प्रसारण मंत्री ने टीवी चैनलों पर किस कार्यक्रम को कम से कम 30 मिनट तक दिखाने के लिए निर्देश दिए हैं, तो वो दिए हैं राष्ट्रीय महत्व और जनसेवा से जुड़े मुद्दों पर कंटेंट दिखाने के निर्देश दिए हैं। टाटा स्टील मास्टर शतरंज 2023 के विजेता कौन है, नीदरलैंड के अनिश गिरी। इस साल का बजट सत्र कब से कब तक चलेगा, 31 जनवरी से 23 फरवरी को समाप्त होगा, ठीक है। आगे देखो, अब राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन को किस नाम से जाना जाएगा, वो है अमृत गार्डन। पहले ये मुगल गार्डन था, अब है ये अमृत गार्डन। किस महिला क्रिकेटर ने ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है, वो चुना गया है नेट साइवर को। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्राजेशन COVID-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है, तो वो रखा गया है इनकोवैक। इसी नाम से है, देखो इंट्रानेजल है तो इनकोवैक है। पांच वर्ड इसमें है, पाँच इसमें। भारत ने पाकिस्तान को किस संधि में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया है, सिंधु जल संधि में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को, जो कि हम भारत देश के राष्ट्रपिता हैं। अगला है, और आगे प्रश्न है, हाल ही में भारत ने मिस्र के साथ किस विषय पर 5 साल के लिए समझौता किया, तो ये किया है सांस्कृतिक संयोग पर। भगवान देव नारायण की 111वें अवतरण महोत्सव में राजस्थान को कौन संबोधित करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रखेंगे ये भाई कौन सी पे किया था उन्होंने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किस महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी, प्रकृति और पक्षी महोत्सव की। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर एयर इंडिया शो 2023 का आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा, तो वह है बेंगलोर में। भारत की पहली जेम्बो ट्रेन 2 इंजन वाली कब से कहाँ चली गई, 29 जनवरी 1979 को तमिलनाडु एक्सप्रेस नई दिल्ली से मद्रास के बीच चली थी। अगला है, टोयोटो ने नए CEO के रूप में किसे नामित किया गया है, तो काजी सातो को। इन्वेस्टर्स समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर टॉप रहा, झांसी। तो ये आप UP वाले ध्यान रखें विशेष रूप से। हाल ही में आयोजित वीर गार्जियल 2023 संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ, भारत और जापान। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ, 28 जनवरी 1865। डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 28 जनवरी को। 26 जनवरी 2023 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, 74। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 106 लोगों को। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC मैच T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नामित हुआ,
वो आता सूर्य कुमार यादव, जो काफ़ी फेमस प्लेयर है। आगे है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द 2022 के नामांकित है, वो है सूर्य कुमार यादव। 2 साल बाद भारत पारो की शुरुआत कहाँ से की गई थी, लाल किला नई दिल्ली। भारत में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया है। हाल ही में मैमानी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, लद्दाख में। 25 जनवरी को किस राज्य में अपना स्थापना दिवस मनाया गया, हिमाचल प्रदेश में। शंघाई संगठन SCO फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर आयोजित किया जाएगा, मुंबई में। तो फिल्म है वहां, तो देखो मुंबई सिटी है ये फिल्म सिटी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ध्यान रखो, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, आंशिक रूप से लागू हुआ था, और पूर्ण रूप से लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आज भी संविधान विधि दिवस मनाया जाता है बेटा 26 नवंबर को, ध्यान रखें आप, विधि दिवस आज भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। दिल्ली के इंडिया गेट पर राष्ट्रीय स्मारक अमर जवान ज्योति का अनावरण कब हुआ, 26 जनवरी 1972 को। अमूल का नया अध्यक्ष कौन है, श्यामल भाई जी पटेल। अमूल जो दूध है उसका अध्यक्ष बना है श्यामल भाई जी पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब है, 24 जनवरी। किस राज्य ने 100 Days to Beat प्लास्टिक अभियान शुरू किया था, दिल्ली ने। मदर टेरेसा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 25 जनवरी 1980 को। हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न, जन गण मन राष्ट्रगान और वंदे मातरम का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया था, वेरी मोस्ट प्रश्न, 24 जनवरी 1950 को, जबकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। और प्रतीक राष्ट्रीय अशोक चिन्ह है उसका भी आप ध्यान रखें, तीनों का। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। भारत के किस राज्य में पुलिस स्टेशन को 2022 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया, तो वो है अलास्का पुलिस स्टेशन ओडिशा। ढाका मैराथन 2023 के चैंपियन कौन है, स्टिनली क्रोपोटिच बैट। देश की किस महिला की सरकार अपने सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 भारत को कौन सा स्थान मिला, चौथा। आज ही किस क्रांतिकारी जन्मदिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है, आसिम अमला। ब्रांडे गार्जियन शिल्प इंडेक्स 2023 में भारत की किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है, मुकेश अंबानी को, ध्यान रखें इस चीज़ का। ये किस भारतीय युवा क्रिकेटर ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाया, शुभम गिल ने। ये आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आपको करंट अफेयर में वो कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है, जिसके अंदर भारत की भी शामिल हो गई इसमें करंट, काफ़ी बड़ा वीडियो है, ठीक है, महामैराथन क्लास है ये एक तरह से, तो ये आपको सबको याद रखनी है। केरल के किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित हुआ, कोल्लम। बेटी बचाओ बेटी अभियान की शुरुआत क्या की गई थी, 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में एक दिवसीय इंडिया कोल चैन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया, नई दिल्ली में। किस राज्य की सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है, केरल ने। आज ही के दिन भारतीय किस राज्य की स्थापना हुई थी, मणिपुर और त्रिपुरा की, 21 जनवरी 1972 को। भारत में होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, भोपाल में। हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप, आपका MP का प्रश्न आ चुका है ये। भारत में इस वर्ष 8वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो वो किया जाएगा भोपाल में, आप याद रखें इसे, भोपाल। नेशनल डिजाइनर्स रिस्पॉन्स फोर्स NDR को कब अपना स्थानीय दिवस मनाया, 19 जनवरी को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने।
पूरी दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? अमेजॉन, जो सबसे ज़्यादा आप वस्तु भी खरीदते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम स्वतंत्रता महान सम्मान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान का निधन कब हुआ? 20 जनवरी। ऐसे प्रश्न आए तो आए, नहीं आए ऐसे प्रश्न कोई जरूरी नहीं है। किस भारतीय बैंक ने, हाँ बैंक से रिलेटेड जरूर ध्यान रखेंगे, किस भारतीय बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो वो क्या किया है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। ठीक है, प्रश्न है हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग संचार स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में, असम, त्रिपुरा, ध्यान रखें आप इधर के क्षेत्र। हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग संचार स्कूल जो लॉन्च किया है वो किया है त्रिपुरा में। ठीक है, देश का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डीजी पंकज कुमार को। नेक्स्ट, किसने मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है? अमेरिका की आर बोनी ग्रेवियल ने। श्रीलंका अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किसके चित्र वाली डाक टिकट जारी करेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। माघी मेला उत्सव किस शहर में मनाया गया? पंजाब में। मशहूर लेखक नाटक के शहादत हसन मंटो का निधन कब हुआ? ये ऐसे कोई जरूरी नहीं है, आप याद रखो नहीं रखो, निधन ने कोई नहीं पूछने वाला। हाल ही में जारी हुई सबसे अमीर एक्ट्रेस की सूची में कौन प्रथम स्थान रहा है? जेरी सिनफेल्ड, जो हॉलीवुड एक्टर है। जल्लीकट्टू खेल उत्सव 2023 की शुरुआत कहाँ से हुई है? तमिलनाडु, ध्यान रखें आप। विश्व आर्थिक वेरी वेरी मोस्ट, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। विश्व आर्थिक मंच 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन की बैठक कहाँ आयोजित की गई? स्विट्जरलैंड में। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक की शुरुआत भारत के किस शहर में हुई है? तो ये हुई है भोपाल में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भोपाल वालों के लिए, ध्यान रखें आप। MP G20 के तहत थिंक 20 की शुरुआत भारत के शहर में हुई है भोपाल में। आज हिंदी फिल्मों के, ये सबके लिए महत्वपूर्ण था G20 वाला, तो ठीक है ध्यान रखेंगे। थिंक 20 भोपाल। आज हिंदी फिल्मों में किस मशहूर गायक गीतकार पटनाक लेखक का जन्मदिवस है? जावेद अख्तर, ये भी आप MP का ही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली बैठक कब हुई? 17 जनवरी 1946 को। हाल ही में पीयूष गोयल ने स्टार्टअप पे मेंटोरशिप का कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो मार्ग, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो योजना है ना वो स्टार्टअप योजना ही है। ये जो आपकी क्विज चल रही है वित्तीय साक्षरता, वो एक स्टार्टअप योजना है। ठीक है, स्टार्टअप योजना है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे ये जो लॉन्च किया है वो किया है मार्ग। मार्ग का मतलब, एम का मतलब होता है मेंटरशिप, डी ए का मतलब एडवाइसरी और असिस्टेंस, रेसिलेंस और ग्रोथ, ये इनका मतलब होता है। किस देश के साथ भारत ने अपना व्यापार साल 2022 में पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुँच का रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है? चीन। भारत ने 2023 तक किससे आधा करने की योजना बनाई है अपनी सेना को? श्रीलंका ने किया है ये। भारतीय मूल की कल्पना चावला दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर कब रवाना हुई? 16 जनवरी 2003 को। अगला है, भारत सरकार ने 16 जनवरी को किस से दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वो की है स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को। भारत हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? कटक में। ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में भारत में पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना? शिलोंग। और फलक मुमताज 23वें नेशनल इसके चैंपियनशिप में कौन सा मेडल है? गोल्ड मेडल जीता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के किस फेम एक्टर का 40 साल की उम्र में निधन हो गया? सुनील होलकर। किस कंपनी ने VLCC को 70% हिस्सेदारी खरीद ली थी? वैश्विक निवेश कंपनी कार्लाइल। किस देश ने साल 2023 तक अपनी सेवाओं को आधा करने का किया है? श्रीलंका ने। सेना आधी करेगा वो। अमेरिका के कंपास राज्य की सीनेटर किस भारतीय मूल की महिला को बनाया गया है? उषा रेड्डी को, ध्यान रखें आप, उषा रेड्डी। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच। हाल ही में हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? वह है जापान का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है,
ये हेल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट बताती है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? कर्नाटक में। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट मध्य प्रदेश का आयोजन किया गया 11 से 12 जनवरी। उपन्यास चंद्रगिरी धूरा ढल्ली ने मशहूर किस मैसूर किस साहित्यकार का निधन हुआ? प्रख्यात साहित्यकार सारा अबूबकर। हाल ही में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफल परीक्षण किस राज्य में किया? ओडिशा में। अग्निवीरों भर्ती अब साल में कितनी बार होगी? 2 बार। CBSE, ध्यान रखें अग्निवीर वाली भर्ती 2 बार होगी साल में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के किस एलिट तेज गेंदबाज कोच नियुक्त हुए हैं? नील क्लीन। विश्व हिंदी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? बिहार ने जातिगत जनगणना शुरू की है। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय किन तारीखों के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाएगा? 11 से 17। 13 जनवरी को भारत में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम है MP गंगा विलास, ध्यान रखें इसका। किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में उपहार पोर्टल शुरू किया है? तो ये किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? GSV, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह। पेटीएम पेमेंट, ये देखो आ गया, पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO नियुक्त हुए हैं अनुभवी बैंकर सुरेंद्र चावला। देश के सबसे बड़ा रण मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कोटा में, राजस्थान के कोटा में। राजस्थान का लिए विशेष ध्यान रखेंगे आप, सबसे बड़ा रण मेला राजस्थान के कोटा में। भारत
2023 पेन नावो को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनोद कुमार शुक्ला को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है मराठी भाषा गौरव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 27 फरवरी को। किस राजनीतिक पार्टी ने 137 वर्षों की निरंतर विचार यात्रा का संबंध है कांग्रेस से? ओडिशा राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं प्रदीप सिंह जेता। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिपोर्ट आईपी इंडेक्स के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 42वें स्थान पर रखा है। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार 2023। स्पेस स्टेशन जाने वाली यूएई के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो यह है सुल्तान अलनेयादी। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व मुद्रण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 24 फरवरी। सनराइज हैदराबाद ने किस दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान बनाया है? एडेन मार्करम। सऊदी अरब ने किस खेल में पहली बार महिला टीम उतारी? आईटीएफ प्रतियोगिता में। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2023 की पहली फाइनलिस्ट टीम बनी थी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है G7 देशों में वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? जापान। ध्यान रखेंगे ये। विश्व चिंतन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 22 फरवरी को। झारखंड उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव कुमार मिश्रा। आज के साथ से किस राज्य में 39वीं अंतर्राष्ट्रीय खजुरा नृत्य उत्सव का शुरुआत की जा रही है? आज के दिन का मतलब यहाँ पर आपको है 22 फरवरी से। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको मध्य प्रदेश की होती है। किस राज्य 49वीं अंतर्राष्ट्रीय खजुराव नृत्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? शुरुआत होगी 22 फरवरी से और वो होगी कब? मध्य प्रदेश से। विश्व मातृभाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 21 फरवरी को। नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए हैं पूर्व कॉमर्स सचिव हैं VCR सुब्रह्मण्यम। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बंधु कौन है? विग्नेश ANR। हाल ही में चंद्रयान 3 का कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है? चंद्रयान 3 का लैंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस पहले एक बार क्रैश हो चुका था इनका। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 फरवरी को। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना किस राज्य की शुरुआत है? हरियाणा की। बंगाल को 9 विकेट से हराकर बना रणजी चैंपियन सौराष्ट्र। अगला है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दिल्ली में मेयर चुनाव का आयोजन किस दिन किया गया? 28 फरवरी को। तुर्की में आए भूकंप में पाना के किस मशहूर फुटबॉलर का निधन हुआ? क्रिश्चियन अस्तुका। पहली बार एशिया मिश्रित चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। किस भारतीय मूल की महिला चिकित्सक को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के CEO नियुक्त किया गया है? तो भारत मूल की जो अग्रणी चिकित्सक है मेघना पंडित को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का CEO नियुक्त किया गया है। रोहित शर्मा को पीछे छोड़ सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले शीर्ष भारतीय खिलाड़ी बन गई है हरमनप्रीत कौर, जो कि महिला खिलाड़ी है। अगला है हाल ही में महिला क्रिकेट T20 इंटरनेशनल 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला है दीप्ति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? जल धन अभियान का। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह शहर में आदि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे? दिल्ली में। किस शहर में करेंगे? तो दिल्ली में। मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब का निधन हुआ था 15 फरवरी 1869 में। अरे अच्छा, इसका निधन हुआ था, बहुत पुराना है ये। सऊदी अरब में 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन थी? रायाना बरनावी। ध्यान रखेंगे आप इसे। अगला है PM ने कहा दो नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी, कहां पर? तो वो दिए मुंबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की शुरुआत किस देश में हुई? दुबई में।
एयर इंडिया ने किसके साथ 500 नए विमान खरीदने की डील की है? एयरबस और बोइंग इसके साथ की है, ये साथ चीन की कंपनी है। यूपी सरकार ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? फैमिली आईडी पोर्टल। भारत का पहला घरेलू विकसित सर्वाइकल कैंसर टीका जारी किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII। हाल ही में इसरो ने SSLV D20 रॉकेट सफलतापूर्वक किस राज्य से लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश से। जो भी परीक्षण किए जाते हैं ज़्यादातर आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से होते हैं। हाल ही में भारत में पहली बार किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय ने शुरुआत की है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय, ये हमारे उसके अंदर भी प्रश्न है क्विज में, डिजिटल पेमेंट उत्सव। हाल ही में किस देश ने कोरोना की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। हाउस इंडिया कोकस के सह अध्यक्ष नियुक्त हैं रो खन्ना और माइक वाल्टज। डॉक्टर आर्थो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने, ये प्रश्न थोड़ा आंसर नहीं था इसका। गुजरात जॉयस्टेक ने मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं रेचल हैंस। विश्व कैंसर दिवस हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी को। हाल ही में चर्चा में रही हीराबाई लोबी को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। मुथूट फाइनेंस के किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? मुथूट फाइनेंस, ये बनाया है माधुरी दीक्षित को। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने 2007 T20 हीरो से क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया? जोगिंदर शर्मा ने। अगला है 2023-24 में शिक्षा के लिए करोड़ों रुपये आवंटित किया है 1,12,899 करोड़ रुपये। विश्व शतरंज चैंपियन में रूस को पीछे छोड़ दूसरे स्थान पर कौन पहुंच गया है? भारत। वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन है? एयर मार्शल AP सिंह। भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है विशाखापट्टनम। अगला है 2023 बजट के अनुसार अब कितने लाख पर इनकम टैक्स नहीं भरना होगा? अब से 7 लाख के नीचे इनकम टैक्स भरना नहीं होगा। WDGC के अनुसार भारत में सोने की मांग 2022 में मामूली रूप से घटकर 734 टन रह गई है। विश्व विजेता जर्मनी FIH रैंकिंग में पहुंची पहले स्थान पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर, ठीक है, ये सम्मान से ब्रिटेन ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मानित किया है। हाल ही में किस शब्दकोश में देश और बिंदास सहित 800 शब्दों में उच्चारण शामिल किया गया है? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए चेयरमैन नियुक्त हैं सिद्धार्थ मोहंती। LIC के ध्यान रखें आप, LIC के नए जो चेयरमैन हैं LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन के जो नए चेयरमैन हैं वो हैं सिद्धार्थ मोहंती। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.16 अरब डॉलर घटकर पहुंचा है 584.24 बिलियन डॉलर, अरब से बिलियन। नेक्स्ट है, हाल ही में अभिनेता प्रेम चोपड़ा की किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है, वो मिला है प्रेम चोपड़ा को, ध्यान रखें। किस राज्य में 3,700 kg खिचड़ी बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। लो भाई मध्य प्रदेश वालों, खाओ वो अच्छे से खाओ खिचड़ी। तो खिचड़ी बनाई है 37 किलो की, 3,700 किलो की, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। PM मोदी ने आज कितने PMO के ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? 91। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई क्रिकेटर बने हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है, अदम्य साहसिक कार्य के लिए वायुसेना पदक वीरता से सम्मानित IAF की पहली महिला अफसर बनी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, शायद इसका संबंध राजस्थान से है। हाल ही में अभिनेत्री विद्या बालन को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। अगला है विश्व पृथ्वी दिवस
हर साल किस दिन मनाया जाता है? 22 फरवरी को। ये पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को, फरवरी नहीं अप्रैल। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले अपना नाम किया है? वो है नेपाल की क्रिकेटर संदीप लामिछाने। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की अपर रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? राधा अयंकर लंबा। अगला है 91 वर्षीय शिव शंकरपा किस राज्य की सबसे बुजुर्ग विधायक उम्मीदवार है? कर्नाटक की। मालावार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आलिया भट्ट को। साइकिलिंग महासंघ CFI के अध्यक्ष बने हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं पंकज सिंह। देश में एप्पल का पहला स्टोर किस शहर में खुला? मुंबई में। देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शीर्ष शहरों में पहले स्थान पर पहुंचा बेंगलुरु। फाग टू फायर किस खिलाड़ी की आत्मकथा किताब का नाम है? साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं फाग टू डिप्लेसी, उसकी आत्मकथा है ये। विश्व लीवर दिवस हर दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल। हाल ही में आशा भोसले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? लता दीना मंगेशकर पुरस्कार। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 फरवरी। IPL तेज में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं KL राहुल। आरएल की किस परीक्षा में 108 की उम्र में टॉप करके महिला ने इतिहास रचा? केरल साक्षरता परीक्षा। BCCI ने घरेलू टूर्नामेंट के लिए बढ़ाई राशि। रणजी ट्रॉफी विजेता को अब 2 करोड़ की जगह 5 करोड़ मिलेंगे। नेपाल के नए विदेश मंत्री हैं नारायण प्रसाद साउद। हर साल विश्व कला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल। IPL 2023 में पहला शतक मारने वाले खिलाड़ी हैं हैरी ब्रुक। दिल्ली और अमृतसर नेशनल हाईवे पर 5वीं सेवा शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर बना जियो। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.30 अरब डॉलर पहुंचकर 584.75 अरब डॉलर हो गया है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर CM की लिस्ट में पहले स्थान पर पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। आज किस महापुरुष की 133वीं जयंती है? तो इससे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 14 अप्रैल की बात है, ठीक है। हाल ही में हॉकी इंडिया में चयन समिति के अध्यक्ष हैं RP सिंह। नेक्स्ट है विश्व चगास रोग दिवस हर साल मनाया जाता है 14 अप्रैल। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले काशी को रवाड़ा, जो दक्षिण अफ्रीका में खेलते हैं सर। देश का निर्यात वित्त 2022-23 में 6% बढ़कर 447 अरब डॉलर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया है? वो है आम आदमी पार्टी, जो के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल। हाल ही किस महान समाज सुधारक महात्मा की जयंती मनाई गई? तो 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की जयंती। हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल। अगला है मेयर कप इंदौर इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जीता नीतीश वेलुरकर ने। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत। अगला है जॉन प्लेयर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। अब तक 2023 में सबसे तेज 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं अजिंक्य रहाणे। सुखोई 30 फाइटर जेट उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। टाइम मैगजीन की वार्षिक टाइम्स 100 सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है शाहरुख खान ने। और अगला है दुनिया के 10 सबसे व्यस्त एयरपोर्टों की सूची में के अनुसार पहला स्थान हासिल है अमेरिका के हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा का इंटरनेशनल का एयरपोर्ट का। आज किस राजनीतिक पार्टी की 44वीं स्थापना है? भारतीय BJP पार्टी की। हाल ही में विदेश विभाग ने प्रबंधन एवं संस्थान मामले के उप सचिव नियुक्त हैं रिचर्ड वर्मा। ध्यान रखें आप विदेश विभाग और प्रबंधन संसाधन मामले के उप सचिव। अगला है मार्च महीने में देश का GSTC कलेक्शन 13% बढ़कर के 1,60,122 करोड़ रुपए हो गया है। लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 13वें सीजन के विजेता कौन बने हैं? अयोध्या के ऋषि सिंह, ठीक है।
हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? रॉकेट RLV। हाल ही में 60वें दशक में बड़ी धूम मचाने वाले किस ऑलराउंडर क्रिकेटर का 88 उम्र में निधन हो गया? सलीम दुरानी। पाकिस्तान के पेशावर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस होंगी मसरल हिलाली। हर साल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाएगा 2 अप्रैल को। नेक्स्ट है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, ये कोई डेट ये कोई ऐसे अच्छा नहीं है। हाल ही में भारतीय रेलवे के किस राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण होगा? हरियाणा रेलवे नेटवर्क का। अगला है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार देश की आबादी के बाद में अब तक के समुदायों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? समुदायों की 5% और बहुसंख्यक समुदाय की भी 5% घटी है। बहुसंख्यक की घटी है, अल्पसंख्यक की बढ़ी है। आज किस राज्य का 4वां स्थापना दिवस है? राजस्थान का। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसे पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया है? रेणु चीमा विज को। ठीक है, केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की सीमा 31 मार्च से बढ़ा करके 30 जून 2023 तक कर दी है। प्रधानमंत्री सारथी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? मुख्यमंत्री झारखंड राज्य सरकार से जुड़ी हुई है। इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई थी। श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद कोलकाता नाइट रॉयल्स के नए कप्तान होंगे नीतीश राणा। 2073 महिला अग्निवीर सहित करीब 2600 अग्निवीरों का पहला बैच किस भारतीय सेना में शामिल किया गया? भारतीय नौसेना में। अर्जेंटीना के लिए 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित देश का पहला दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस राज्य में शुरू हुआ? दिल्ली में। हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम के वार्षिक कंट्रोवर्सी जारी करने के बाद किस खिलाड़ी ने इस श्रेणी में जगह मिलाई? वो है रविंद्र जडेजा। किस पाकिस्तानी मूल के नेता स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं? हमजा यूसुफ। NDTV और सेबी के किससे पूर्व चेयरमैन नॉन एक्टिविजेशन चेयरमैन नियुक्त किए हैं? यूके सिन्हा। याद रखेंगे आप, सेबी शब्द आ रहा है इसमें। अगला है, EFPO 8.1% ब्याज दर बढ़ाकर के 8.15 हो गया है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के किसे नया CFO नियुक्त किया है? श्रीकांत वेंटेचारी को। पहला वीमेंस वे प्रीमियर लीग टीम जीतने वाली पहली टीम बनी मुंबई इंडियंस। किस राज्य में बना भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल है? जम्मू कश्मीर में। 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के में देश भर में कितने टावर लगाने होंगे? 1,00,000। हाल ही में नेशनल अवार्ड विनर विजेता परिणीता को किस डायरेक्टर का निधन हो गया? प्रदीप सरकार। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। एशियाई हॉकी फेडरेशन ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया? सलीमा टेटे। भारत में स्मार्टफोन का एवरेज सेलिंग प्राइस 2022 में बढ़कर $224 यानी करीब 18,500 रुपये है। भारत में हाल ही में किस भारतीय ने हिट ओपन इंटरनेशनल शतरंज का खिताब जीता? 17 वर्षीय शतरंज मास्टर लियोन ल्यूक मंडोर्स ने जीता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सितारा ए इंतियाम हाल ही में किस क्रिकेटर को दिया गया? बाबर आजम को। ठीक है, लेक लाडली योजना का संबंध है महाराष्ट्र से। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुताबिक अभी भी कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26% के पास। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? असम में। ये है IMFA निशानेबाज विश्व कप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। ISSF निशानेबाज की विश्व कप है वो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2.31 लाख महिलाओं को हरमाना 1500 रुपये की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश ने। वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस हर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को।
हाल ही में किस एयरलाइंस ने वॉल्टियर रिटायरमेंट स्कीम खिलाने की घोषणा की है? एयर इंडिया। और 2022 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी पुरुष खिलाड़ी हैं हार्दिक सिंह और सविता पूनिया। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति रामसाह यादव। हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग के अनुसार फिर से नंबर 1 गेंदबाज रविचंद्र अश्विन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंतरिम मुक्त कोच कौन है? अब्दुल रहमान। किस भारतीय ने जीता 28वां चेस और फेस्टिवल का खिताब? तो ये 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर है लियोन ल्यूक मेंडोसा। चिरंजीवी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? राजस्थान से, ध्यान रखें आप। ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला? तो नाटू नाटू सॉन्ग है RRR का, RRR मूवी है उसका सॉन्ग है नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल में पहुंचने वाली टीम है भारत। सचिन तेंदुलकर के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सीरीज में किस नए खेल को शामिल किया है? शतरंज को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है कर्नाटक के हुबली में। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ने पूर्व अग्निवीरों को BSF में कितने प्रतिशत आरक्षण? 10%। हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति 2023 का प्रस्ताव किया? यूपी ने। खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता का आयोजन किन तारीखों को होगा? ये तारीखों को आप याद रखें तो ठीक है, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इनको आपकी इस क्विज में नहीं आएंगे, बाकी औरों में आ सकते हैं। ये 10 मार्च से 31 मार्च। और हाल ही में किस राज्य ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया? ओडिशा ने। 26वीं बार भारत में 5 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज है रविचंद्र अश्विन, 26वीं बार लिए हैं उन्होंने। हाल ही में सेलोतुओनी किस राज्य के कैबिनेट की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? नागालैंड की। बेटी है अनमोल योजना किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला है हरियाणा, लेकिन यहाँ बेटी अनमोल है हिमाचल। आगे है महिलाओं के नेतृत्व में 3 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता अभियान स्वेच्छा सब का शुभारम्भ किस मंत्री ने किया? केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी। विश्व बेरोजगारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 6 मार्च को। किस राज्य ने G20 फ्लावर फेस्टिवल 11 और 12 मार्च के बीच आयोजित हुआ? दिल्ली के सेंट्रल पार्क में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर को किस उपकार में को मिले उपकार में कितने रुपए में नीलाम किया गया? 1 करोड़। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। अगला, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NIS के अनुसार मौजूद कीमतों का वार्षिक प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम 22-23 की है 1,72,000 रुपये। और अगला है भारत ने रूस से फरवरी माह में रिकॉर्ड कितने लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा? 1.6 लाख बैरल खरीदा है भारत ने। अगला है हर साल 3 मार्च को टाटा समूह स्थापित स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के अग्रणी उद्योगपति जमशेद टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को हुआ था, इसलिए मनाया जाता है। पत्र सूचना कार्यालय के नए प्रधान महानिदेशक हैं राजेश मल्होत्रा। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर प्रतिष्ठित मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित हुआ? भारतीय मूल के MINIT प्रोफेसर हरि बालकृष्णन हुए थे। अगला है 2 मार्च को देशभर में सरोज नायडू की पुण्यतिथि मनाई गई। प्रभावी वाणी ओजपूर्ण लेखनी के कारण कौन से नाम है? नाइटेंगल ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले और 5000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय रविंद्र जडेजा। फरवरी में GSTC कलेक्शन 12% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ हो गया। हाल ही में किसे मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? PM मोदी को। G20 शिखर सम्मेलन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर 26 से 30 जून के किस राज्य में आयोजित होगा? ये थोड़ा सा वेरी मोस्ट है। G20 सम्मेलन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक
26 जून और 23 जून को किस राज्य में आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी उत्तराखंड में। वर्ल्ड टेबल टेनिस कंडक्टर दुर्गा टूर्नामेंट में वीमेन्स डबल कैटेगरी का टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी सुधीरता मुखर्जी और अहिना मुखर्जी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान नियुक्त है असम की अपूर्णा नारजीरिया। 27 जून को पीएम मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश। ध्यान रखें आप एमपी वेरी मोस्ट। मध्य प्रदेश के शहडोल सिकल सेल एनीमिया मिशन मध्य प्रदेश के शहडोल में सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किया जाएगा। तो ये आपकी जो मेन जो थी वो मैंने कंप्लीट यहाँ पर करा दी हैं। करंट अफेयर इन सभी विद्यार्थियों को अगेन बेस्ट ऑफ लक। सभी का बहुत बहुत सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद और जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक।